दास सर्वांशों की प्रणाम लेके हाजिर होया है रविदास रहे प्रसन्न। इस प्रणाम कंची टीवी नू देखण वाले सत्कारयोग स्रोतिया नू दर्शकों नू दास वालों बड़े प्यार सत्कार अदब दे नाल जिया नू तुहाडा निघा स्वागत किया जाता है। गुरु नू हाजर नाजर करदे होए हाजरी दे रहा हाँ, सारे नू नाल लैके गुरु तो आशीर्वाद दा मंग रहा हाँ। जय गुरदेव, धन गुरदेव। सुगुरु दे प्यारियो, मैं हमेशा ही हर एतवार नू 3 बजे तो लैके 5 बजे तक वो प्रोग्राम लैके हाजिर हुंदा जिन्हां दे विच अपने रैबरां दे सारे ही पुरब अते समाज दे विच विचर रहियां अजोकियां घटनावां जां समाजिक मसले समाज विच दुख अते सुख दे प्रति कंची टीवी दा रोल। अज इस प्रोग्राम दे विच जिवें कि तुसीं हुणे ही सुणिया गुरबाणी शब्द दास दी हमेशा इहो ही तमन्ना रहिंदी है कि जे मैं धार्मिक प्रोग्राम कोई शुरू करां तो गुरबाणी दे गुरु साहिबां दे बचना दा पवित्र पावन बचना दा ओट आसरा लेना बहुत जरूरी है। हर एक आदमी दी अपने अपने नेचर अपना अपना सुभा अपने अपनी आदतां हुंदियां ने अपना अपना टेस्ट स्वाद हुंदा है अपना अपना आनंद हुंदा है। सो ये निजी मसला भी किवें किसी नूं आनंद प्राप्त हुंदा है उवें ही वह प्राणी करदा है। सो गुरु दे प्यारियो, अज मैं वो प्रोग्राम जिन्हां सतपुरशां दा सतपुरखां दा है मैं शब्द हुणे ही उन्हां दी रसना तो उच्चारण कीता होया शब्द लैके आया। अज मैं उन्हां दा प्रकाश दिहाड़ा लैके हाजिर होया। सतगुरु नानक देव जी महाराज जी की तीसरी जोत सतगुरु अमरदास जी महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा। गुरु दे प्यारियो, उन्हां दे प्रकाश दिहाड़े दे विच पिछले कुछ दिनों तो इतिहास दे विच बहुत तरीकां आउंदियां ने पर जिहड़ी तरीक मजोरिटी तौर पर मनी जाती है जिमें कि सतगुरु नानक देव जी महाराज का गुरपुरब उहदे भी इतिहास दे विच बहुत तरह के प्रकाश दिहाड़ी दीआं तरीकां अलग थलग ने अते सतगुरु रविदास महाराज दे भी प्रकाश दिहाड़े ते बहुत तरह दीआं गल्लां कीतीआं जांदीआं ने। पर मैं हमेशा ही बेनती करिआ करदा हाँ ठीक है तरीक दस देना उहदे नाल इन्ना संबंध नहीं जिन्ना कि जिस महापुरश सतपुरश ने मैं पुरब नूं मना रहा उन्हां दी जिंदगी चों उन्हां दे बचना चों उन्हां दे उपदेशां चों मैनू की प्राप्त होया। जय गुरदेव जी। हेलो भाजी, जय गुरदेव जी, किदां ठीक है तुसीं? चढ़दी कला जी, चढ़दी कला। बिजी तां नहीं? मैं प्रोग्राम कर रहा जी टीवी दे उत्ते। अच्छा, प्रोग्राम चलदा पिया? हां जी, प्रोग्राम चल रहा जी, तुसीं देख नहीं रहे? मनजीत कौर का 50 साल का बर्थडे सी, मैं अज भी बधाई देना तुम। ओके जी, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, ओके जी, ओके। सो गुरु दे प्यारियो, हुण बहुत सारे मैं पिछले 2 हफ्ते प्रोग्राम नहीं दे सकिया क्योंकि कंची टीवी ने जो भी प्रोग्राम उलीकिया हुंदा वो प्रबंध के अनुसार जां जिवें टीवी नूं चंगा लगदा होवे उवें प्रबंधकां वल्लों कीता जांदा है जां जिथे भी कोई प्रोग्राम जरूरी लाउणा होवे ते इह साडा आपसी तालमेल है कि असी आपस विच रजामंदी दे नाल प्रोग्राम करदे आ। 2 हफ्ते जो हुक्म होया सी मैं उस सैचरडे प्रोग्राम लाया संडे दी बजाय। सो अज मैं जो प्रोग्राम लैके होया
सतगुरों का पावन स्वरूप आप सारे देख रहे हैं। सतगुरु अमरदास जी महाराज, गुरु के प्यारो, मैं अज सतगुरों ने जो अपनी रसना तो बाणी उच्चारण की थी, उन्होंने मैं एक जड़िया तुकां लाइया ने, वो आनंद साहब जी जो कि साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब 917 तो लैके 922 उत्ते 40वीं पौड़ी आनंद सुनो बडभागियो सगल मनोरथ पूरे, उत्थे जाके आनंद साहब संपूर्ण हुंदा। पन्ना नंबर 917 तो अंक नंबर 917 साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब रामकली महला तीजा आनंद, आनंद पिया मेरी माएँ, ये पहली पौड़ी है, ये मना मेरे आ तू सदा, ये दूसरी पौड़ी है। जेड़ा मैं शब्द लाया, ये शरीर आ मेरे आ, इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीर आ जा तू जग में आया। ये पौड़ी 35वीं पौड़ी दा शब्द सी जो आपा सरवण कीता है। सो ये इस मनुखा शरीर नू एक सवाल है, सतगुरु रविदास मह दी बाणी चाहुंदा, बहुत जन्म बिछरे ते माधो ये जन्म तुम्हारे लेके भटकदा रहा, भटकदा रहा, भटकतों तो बाद तेनू ये सिखदारी एक मनुखा जन्म दी मिली है, टॉप ऑफ दी क्रिएशन तेनू ये जन्म मिलिया, भई प्रापत मनुख दे हुरिया गोविंद मिलन की ए तेरी वरिया, तेनू ये मनुख नू मौका मिलिया, बाकी जूना तो इलावा तेनू एहो जा मौका मिलिया कि तू ये जन्म तुम्हारे लेके उदे चरणा च अपनी जिंदगी च ला दे, नहीं तो तेरा हिसाब किताब पूछया जाना। ये शरीर आ मेरे आ, इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया, फिर जेड़े तेरे कर्मां दा जो भी तू खटिया होगा अपनी जिंदगी दे विच जिन्नी तू उम्र भोग के जावेगा, मेरे सतगुरु अमरदास जी सतगुरां दा पावन उपदेश है। प्रोग्राम लाउण दा मकसद ये नहीं कि मैं तुहानू बधाइयां देतियां बधाइयां लै लईयां, इन्हां महापुरशां दे चरणां दे विचों इन्हां सतपुरशां दे मुखारबिंद तो जो उच्चारण किए हुए बचन ने मैं अपनी जिंदगी च कितना उन्हां नू ढालिया, मैं इन्हां दे उपदेशां तो कुछ ग्रहण कीता के नहीं कीता है, नहीं तो सतगुरां ने सानू एक वार्निंग दिती है 35वीं पौड़ी दे विच, ए शरीर आ मेरे आ इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया, तेनू अंदरों आवाज़ आ रही है, नहीं तो अखीर ते जाके जदों जपजी साहब जी का भोग सतगुरु नानक देव जी ने पाया, माफ़ करना मेरे लिए सारे सतपुरशां दी बाणियां कि मैनू ये की कुछ सिखाउंदी है, उन्होंने कहा चंगियाईयां बरियाईयां बाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर, फिर तेरा जड़ा तू कोल लैके जाना वो तेरी पोटली खोली जानी आ, उत्थे चंगियाईयां ते बुरियाईयां दी परख होनी है, जे चंगियाईयां दा पलड़ा भारा फिर गुरु दे के नेड़े, फिर गुरु दे तू चरणा विच बैठा होएगा, फिर सतगुरु रविदास मह दे बेगमपुरे विच बैठा होएगा, फिर सतगुरु नानक देव जी ने कहा सचखंड वो सचखंड दे विच बैठा होएगा, फिर तेनू बेगमपुरे दे विच जिथे तेनू किसी गल की कोई कमी नहीं होएगी ना इत्थे ना उत्थे। सो गुरु दे प्यारो, सानू ये शब्द लाउण तों बाणी पढ़न तों कुछ सीख लेना चाहिए। अज मैं की सीखना है, सतगुरु अमरदास जी महाराज जी ने जो बाणी अपने मुखारबिंद तो जिहड़ा कि असी दुख ते सुख दे विच आनंद साहब पढ़ते हाँ, जदों किसी ने श्री अखंड पाठ रखिया हुंदा है अखीलियां पांच पौड़ियां पहलियां ते छेवीं अखीले आनंद सुनो बडभागियो पढ़ी जाती है, जदों किसी नू तोर के आई दा अगले संसार नू उदों भी आनंद साहब पढ़िया जांदा है। गुरु दे प्यारे सतगुरु अमरदास जी महाराज दी आनंद विच्चों बाणी दे विच्चों आनंद बाणी दे विच्चों मैं शब्द लाया सी 35वीं पौड़ी, उहदे विच्चों मैनू एक उपदेश लैना चाहिए कि शरीर इस जग विच आ के तू किहो जिहे कर्म कर रहा,
तू किहड़े कर्म कीते आ, तैनू इत्थे भेजिया सी जिहड़े कम लई की तू वह कम कीते जां नहीं कीते, जे नहीं कीते तो फिर जिवें एक टीचर सानू स्कूल चो होम टास्क दिंदा वी घर करके आयो, जे ना कीता होवे तो फिर टीचर सजा दिंदा है। सो गुरु दे प्यारो आ जिंदगी भी साढ़े वास्ते इहो जी जिंदगी है कि जिन्नी सानू किसी नू 80 साल दी, किसी नू 90 साल दी, किसी नू 95 साल दी। सतगुरु अमरदास जी महाराज जी नू 95 साल दी आजू मिली है। 95 साल तो बाद गुरु दे प्यारो 40 साल तक ये दुनियावी कामां दे विच दुकानदारी करदे रहे अपने पिंड बासर के दे विच। 20 साल तीर्थां ते जा के गंगा ते जा के इशनान करदे रहे। सो गुरु दे प्यारो जिदन 73 साल दे होए उदन इन्हां नूं गुरगद्दी मिली। 73 साल तो बाद 22 साल गुरगद्दी ते रह के संगतां नूं जो उपदेश दित्ता है मेरे सतगुरु अज अमरदास जी महाराज जी ने जो उपदेश दित्ता है, मेरा प्रोग्राम लाउण दा ये मकसद है। ये समुचे संसार नूं सिख समाज कला ये ना समझ लवे कि सिख समाज दे गुरु अमरदास जी सिख गुरु हन, ना 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 ना। जिथे उन्होंने कहा गुरु दे प्यारो बे ये जिहड़ी ये शरीर आ मेरे आ, उन्होंने किसी भी जात दा पात दा जिक्र नहीं किया। मनुखा जन्म नूं कहा, सारे मनुखा नूं कहा। मैं फिर बेनती करना बाणी एक दी नहीं सारे दी बाणी है। जे सतगुरु रविदास माए ने कहना ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। उन्होंने कल्ले अपने समाज गरीब समाज ने कहा, उन्हें सरबत दे भले लिए अरदास की। गुरु दे प्यारो जिन्हें भी संत महापुरश इस संसार में सतपुरख आते ने उन्हां सारियां दा निजी जो अंदरली जो रजाया उस मानवता दे भले वास्ते हुंदी है, एक बंदे वास्ते नहीं हुंदी। पर अज असी बंडियां पा लईआं, ये मेरा ते ये तेरा। मैं अज बेनती करना कंछी टीवी दे उत्ते बैठ के मैं सतगुरु अमरदास जी का जे गुरपुर मना रहा, जे मैं उन्हां दा जन्मदिन मना रहा, प्रकाश दिहाड़ा मना रहा, मैं किसे भिन्न भेद दे ये नहीं कि जे मैं रविदासी आ ते सिख जगत इन्हां नूं मंनदा है। गुरु दे प्यारो साहिब श्री ग्रंथ साहिब दी 36 महापुरशां दी बाणी नूं जो मत्था टेकदा है उहदे लई सारे महापुरश बराबर होने चाहीदे है। जे नहीं मंनदे तो फिर अज दा गुरपुरब अज दा पुरब मनाउण दा कोई फायदा नहीं, नहीं फायदा। मैं मेरे प्रोग्राम लाउण दा इक्को ही मकसद हुंदा है बे जिहड़े असीं वहमां भरमां च पए आ गुरु साहिबां नूं मंनदिआं होइआं भी, जे वहमां भरमां विच भी पए आ तो फिर असीं गुरु साहिबां नूं पखंड करदे मत्था टेकण लग्गिआं, बाणी पढ़न लग्गिआं। बस मेरा इक्को ही मकसद हुंदा है जो सतपुरशां ने सानूं कहा सानूं उह मन लैणा चाहीदा। एक पिता एक के हम वारक, सतगुरां ने जे बाणी विच इह कहा वे भाई इक्को साडा उह अकाल पुरख नूं कह लो, उन्हूं मुकंद कह लो, उन्हूं मुरारी कह लो, उन्हूं नारायण कह लो, उन्हूं रब कह लो, उन्हूं परमात्मा कह लो, उन्हूं ईश्वर कह लो, उन्हूं माधव कह लो, उहदे किन्ने नां सतगुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खरिया अनेक नां लिख दित्ते उस परमात्मा दे, उन्हूं जो मर्जी कह लो अपने प्यार दे विच, पर उह इक्को ही है। जे उह इक्को आ ते उहदी रचना जिन्नी आ बनाई हुई है तो असी उहदा सारा परिवार हाँ। जे एक उहदा परिवार है तो फिर जात पात तो ऊंच नीच तो फिर बेतकरे कादे। अज मैं देख रहा गुरु दे प्यारे पिंडां थावां दे विच गरीबां दे नाल जातां दे नां लै लै के शोषण किया जाता, तंग किया जाता। और रब दे वास्ते एक पासे गुरु साहिबां दे गुरु घरां च जा के स्पीकर ला ला के उची उची बाणी पढ़दे भी हाँ। सतपुरशां दा बार बार रागी ढाडी प्रचारक ज्ञानी साहिबान विद्वान बाणी पढ़ पढ़ के उपदेश दे रहे आ, ते की उपदेशां नूं आपां मनदे आ जां नहीं मनदे। जे मनदे आ फिर असीं गुरु दे सिख हां। नंबर एक, सो गुरु दे प्यारे सतगुरां ने साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच जिथे 31 राग ने
उत्थे 18 रागां विच मेरे साहिबां ने सतगुरां ने बाणी लिखी है। गुरु दे प्यारिओ, सतगुरु अमरदास जी की 18 रागों में बाणी है, और इस तरीके 11 भट्टां विचों श्याम भट्टां ने भी गुरु अमरदास जी की शोभा दे विच 22 सवैये लिखे ने, 22 सवैये लिखे ने। सो गुरु दे प्यारिओ, इस तरीके दे नाल जदों सतगुरु अमरदास जी दे प्रकाश दिहाड़े की गल आउंदी है ते तुका कहिंदियां ने बाणी दे विच, भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आई, सवैये महला तीजा के 1396 तुका आउंदियां ने। गुरु दे प्यारिओ, आओ अज मैं सतगुरां ने, सतगुरु अमरदास जी महाराज ने जो सानू समझाया, असी उधर नू जाना, असी उन्हां उपदेशां नू मन के अपनी जिंदगी नू गुरमुखता विच लै के आउणा। सतगुरां ने सानू सेवा, सब तो पहला सतगुरु अमरदास जी दी जिंदगी दे विचों जे कुछ लैणा ते सेवा ने सब कुछ सानू गद्दी ते भी बिठा दिता है। दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव जी महाराज खडूर साहब बैठे ने, सतगुरु अमरदास जी उस वेले सिर्फ ते सिर्फ अमरदास ही सी। जदों ये 19 बार हरिद्वार जा के गंगा दे दर्शन करके आए ने, सो गुरु दे प्यारे जे गंगा दे दर्शन करके आए ने ते जदों 20वीं वारी वापस आउंदे ने गंगा दे दर्शन करके, गंगा दा इशनान करके, एक रस्ते दे विच संतां महापुरशां दे नाल मिलनी हुंदी है, वो ब्रह्मचारी ने, उत्थे समां कट्टिया जांदा है, लंगर बनाया जांदा है, ब्रह्मचारी ने लंगर छकिया। ध्यान दिओ, इतिहास कह रहा, मैं कोलों नहीं कह रहा। और जिथों एक विधा बनदियां ने, परमात्मा जदों मनमुख तो गुरमुख बनाउंदा है ते उहदे वास्ते विध बनाउंदे आ। भाई लालो नूं भाई बनाउण वास्ते सतगुरु नानक देव जी महाराज ने अहमदाबाद जा के भाई लालो नहीं सी, लालो जिहनूं शूद्र भी कहा जांदा सी, लालो नूं नीवियां जातां च गिणिया जांदा सी, जा के महाराज जी ने कुंडा खड़का के उस लालो नूं अपना भरा बना के एक महीना उहदे घर दे विच रह के थले जमीन ते सौं के कोदरे दी रोटी खा के भरा बना के आशीर्वाद दित्ती है। मैनूं इहतों भी कुछ सिख लैणा चाहीदा है। अज जिहड़े लालो दे जीवन ते जी रहे आ, वह बाबा नानक जी दे सेवदार आ, सेवक आ, उही सत्संगी है, उही सिख आ। गुर जिहड़े मालक भागो दी तर्ज ते जी रहे आ, वो सतगुरु नानक देव जी का सिख नहीं हो सकता, जिहड़ा मालक भागो दे तरह जी रहा। भावें गुरु घर होवे, भावें किते भी होवे, भावें किसी संस्था विच वो सेवादार होवे, जिहड़े मर्जी रूप विच होवे, जिहड़ा मालक भागो दी तर्ज ते जी रहा, वो सतगुरु नानक देव जी का सेवक नहीं हो सकता है। सो गुरु दे प्यारिओ, जिहड़ा भाई जैते दी तर्ज ते जी रहा, वो सतगुरु गोबिंद सिंह का पुत्र हो सकता है। तो जिहड़ा जहांगीर या बड़े बड़े जिहड़े तनाड या बड़े बड़े हंकारी राजां वांग जी रहे ने, वो सतगुरु नान गोबिंद सिंह के सेवक नहीं हो सकते। सो गुरु के प्यारे, सतगुरु अमरदास जी का अज जिहड़ा मैं प्रकाश दिहाड़ा मना रहा, कंछी टीवी के प्रबंधकों वालों, दास वालों, अमृत बाणी रविदासिया कम्यूनिटी सेंटर के सारे सेवादार वालों, समुचे संसार नू सतगुरु अमरदास जी महाराज के प्रकाश दिहाड़े दियां कोटन कोट बधाइया, सतगुरां दे चरणां विच पवित्र मुबारक चरणां विच जोदड़ियां बेनतियां अरदासां ने कि सतगुरु जी इवें ही जिवें आप जी नू
आशीर्वाद दिती सतगुरु अंगद देव जी महाराज ने नताणियां दे तान नमाणियां दे मान न्योटियां दी ओट इवें ही बने रहना संगतां दे सिर दे उत्ते अपनियां आशीर्वादां बख्शिश करदे रहना जी। कांछी टीवी दे सारे ही प्रबंधकों वालों जोधड़ियाँ समुचे संसार नूं बहुत बहुत बधाइया। सो गुरु दे प्यारो इस तरीके दे नाल मैं इत्थे ही बेनती करदे हां कि सतगुरां दी जिंदगी दे विच सानूं की मिल रहा, सेवा नूं मिलदा मिला करके कोई देख लवे। जदों असीं सुखमनी साहब भी पढ़ते उहदे विच बचन आउंदे ने सेवा करत होए नहकामी तिसको होत प्रापत स्वामी। फिर तुकां आउंदियां ने बाणी विच सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। ते सतगुरु अमरदास जी दी जिंदगी दे विचों सेवा सिमरन सतसंग ते फिर सचखंड दीयां गल्लां होंदियां, फिर साहिब दीयां गल्लां होंदियां, सानू ये जिंदगी मिलती है। भाई सेवा गरीब की भी हो सकती है, सेवा माँ भैन की भी माँ प्यो की भी हो सकती है, भैन भरावान की भी हो सकती है, देश की भी हो सकती है, समाज की भी हो सकती है, दुखिया दुखियारा की भी हो सकती है। सेवा दे बहुत सारे रूप ने, सतगुरां ने यही बेनती की है। सो महाराज जी ने कहा कह नानक शरीर परवान होआ जिन सतगुर स्यो चित लाया। जिन्होंने सतगुरु की सेवा की, सतगुरु दियां संगतां दी सेवा की, लंगर लगा के जां लोड़बंदां दियां लोड़ां नूं पूरा करके जिन्हां महापुरशां ने सेवावां कीतियां ने उन्होंने सानूं उपदेश यही दित्ता है भाई सेवा का मतलब यह है। हुण सेवा दे प्रति भी गुरु दे प्यारे हो, मैं भी जदों मैं कोई प्रोग्राम लाउंदा इहदे विच बहुत सारियां गल्लां लुकियां नहीं हुंदियां, मैं उहनां नूं जाहर कर दिंदा, भावें कि उपदेश विच लुकिया हुंदा है सानूं उह ग्रहण कर लैणा चाहीदा है। लुकिया की है? सतगुरु अर्जन देव सतगुरु अमरदास जी महाराज दा सारा ही परिवार वैष्णो परिवार से, सारे ही तीर्थां दे उत्ते जाया करदे सी, गुरु अमरदास भी जाया करदे सी। एक विध बनी कि सतगुरु अमरदास जी महाराज जी दी भतीज नूं जिहड़ी कि सतगुरु अंगद देव जी दी सपुत्री आ बीबी अमरो जी, सतगुरु अमरदास जी महाराज उस वेले सिर्फ ते सिर्फ अमरदास जी सन, और उस वेले अमृत वेले नितनेम करदिया होया सतगुरु अमरदास अंगद देव जी की दूसरी गद्दी की बच्ची बीबी अमरो जी जिहड़ी कि सतगुरु अमरदास जी महाराज की भतीज नूं आ बाणी का पाठ कर रही है, बाणी का पाठ कर रही है। गुरु दे प्यारियो सतगुरु अमरदास जी दे उत्ते इको तुक का इन्ना असर पिया, इको तुक ने उन्हां दी जिंदगी नूं तीर्थां तों कर्म कांडां तों वक्रे वक्रे नितनेमां तों बचा के गुरु दी शरण विच लै आंदा, सेवा कीती, और उस तों बाद गुरु दे प्यारियो 73 साल एवें चले गए लेकिन गुरु की शरण विच आ के एहो जिहा उपदेश लिया गुरु अंगद देव जी तो। सतगुरु अंगद देव जी महाराज जी ने सतगुरु अमरदास जी नूं गद्दी ते बिठा दिता है 73 साल की उम्र विच, एक तुक दे नाल, एक तुक ने सतगुरु अमरदास जी दी जिंदगी दे विच इतना असर इतना प्रभाव पाया। करनी कागद मध मसवाणी बुरा भला दोए लेख पए, अंग नंबर 990 दे उत्ते तुक आउंदियां। गुरु दे प्यारियो सतगुरां ने अमरदास जी ने अपनी भतीज नूं पुछिया भी इह बाणी किन्हां दी है, ते उन्होंने दस्या नानक जी दी, सतगुरु नानक देव जी दूसरी जोत
मेरे पिता जी जिहड़े खडूर साहब बैठे ने उन्हां दे पवित्र उन्हां ने गद्दी ते बैठे ने सतगुरां दी पवित्र बाणी है, बाबे नानक दी बाणी है। इन्ना असर होया ते दिल विच इतनी इतनी सांझ पई उस बाणी दी, इतनी टकोर लगी कि सतगुरां ने यह महसूस किया है भी जिस बाणी च इन्ना रसवा इन्नी मिठी है ते जिन्हां दे मुखारबिंद तो उच्चारण की है वह किहो जिहे महापुरश होए ने ते गुरु दे प्यारे इनू विधां कहिंदियां ने, इनू कहिंदे ने जिंदगी दा टर्निंग पॉइंट। सानू भी कहिंदे ने ना भी बंदे दे विच टर्निंग पॉइंट आउंदा है, मनमुख तो जो गुरमुख बनता है, गनका तो संतनी बन गए गुरु ग्रंथ साहिब दे चे, गनका नू जिन पापन कहिंदे सी किदां दा टर्निंग पॉइंट हो गया, गुरु साहिबान ने मत्था टकवा दिता है, अजामल नू टकवा दिता है। गुरु दे प्यारो आओ सतगुरां दे उपदेश मनण वालियां दे दुनिया विच जकारे लगते हैं। जिहड़ी मैं गल करन लगा इधर नू मैं जा रहा, अज एक तुक असी किन्ने रोज़ पाठ करते हैं, किन्ना कुछ चल रहा तकाला सवेर नू हर वेले गुरु साहब के चरण में हाजरी भरते हैं। बड़े बड़े विद्वान रेडियो के उत्ते टीवी के उत्ते गुरु घर जिन्होंने अपन जिंदगियां लातियां, भाई भिंदरपाल सिंह जी सुन के देखो, जिन्हें भी बड़े बड़े विद्वान ने संत सिंह जी मस्कीन सचखंड वासी उन्होंने अपन जिंदगियां लातियां, अज भी संत रामानंद ने अपने प्राणी ये बाणी का उपदेश करद ला दते। आओ गुरु के प्यारो जे इन्होंने एडे एडे विद्वाना ने बाणी का प्रचार करके उन्हों का मतलब ये नहीं कि अपनी विद्वता दिखाई है, विद्वाना की कोशिश होंगी है आप तरे तारे कुल दोए, जे कहते हैं ना माघ मजन संघ साधुआ धूड़ी कर इसनान, हर का नाम ध्याय का सभना नू कर दान। जे गुरु दे प्यारे जे तुहानू कोई ज्ञान मिले उनू बंडना दान करना, उनू बंडना सब तो बड़ा पुन्नवा, बाणी कह रही है। सो गुरु दे प्यारे ये जिन्ने विद्वान सानू समझाउंदे आ तकाला सवेर नू रह रहा समय अमृत वेले श्री अखंड पाठ चलते ने मंदरां विच मस्जिदां विच चर्चां विच हर महापुरश की बाणी समझाई जाती है, कहदे लई कि असी बेकारां तो बचिए। कहिंदे सतसंग विच, सतसंग दा मतलब की है, सौ आदमी की संगत करना, श्रेष्ठ विचारां वाले की संगत करना, शुद्ध शुद्ध विचारां दी संगत करना, साफ सुथरे विचारां दी संगत करना, श्रेष्ठ बंदियां दी संगत करना, संतां साधुआं दी संगत करना। सो गुरु दे प्यारिओ उहनां दी संगत वास्ते सतसंग सानू कह रही है, जिहड़ी संगत सानू दुनिया दे विकारां तो बचाउंदी है, जिहड़ी संगत सानू दुनिया दे विकारां तो बचाउंदी है। सो गुरु दे प्यारे वो सानू ओहो जे प्राणियों की संगत करनी चाहिए है, संगत ही बंदे नू मनमुख तो गुरमुख बना देंदी है, संगत ही। सो गुरु दे प्यारे तोते की संगत करन दे नाल गनका तरी हर तोते दे संगत दे नाल तर गई, अजा मिलने संतां दी संगत हुई, इहो जी संगत हुई। एक बार नारायण अपने पुत का नाम लैण दे नाल बिरधी दाती जुगती दस दिती, उदम तू करना जुगती असी दस दिती है। सो गुरु दे प्यारो मैं इत्थे सिर्फ ते सिर्फ अज सतगुरां दे चरणां दे विचों जिहड़ी मैं एक गल सांझी करन जा रहा सारिआं वास्ते है, सेवा असी जरूर करदे आं दिखावे लई, ना 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 ना, सतगुरु अमरदास जी की जिंदगी दे विचों सिख लईए कुछ, सेवा नू मिलदा मेवा, सेवा किवें कीती है इतिहास दस रहा,
ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ। ਜਾਂ ਦੇਖਾਂ ਗੁਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤਨ ਮਨ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਸਰਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਗਏ। ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਲਈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਰਿਆ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ, 12 ਗੋ ਜਾ ਕੇ 12 ਕੋ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਗਾਗਰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਧੋ ਕੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਪਹਿਲੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਲੰਗਰ ਲਈ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਣਾ, ਪਾਣੀ ਢੋਣਾ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ TV ਚੱਲਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਠ ਸੁਣ ਲਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਗੀਤ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਇਹ ਗੀਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਲਏ ਆ, ਬਚਨ ਲਏ ਆ। ਤਾਂਹੀਓ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ, ਤਾਂਹੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੀ, ਬਾਣੀ ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਜਾਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਅੰਧੇਰੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬਚਨ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਆਜ 36 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਮੱਥੇ ਕਿਉਂ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੌਰ ਝੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਦੋਏ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁੱਖ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਦੇ ਨੇ, ਮਰ ਮਿਟਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਾਈ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਦਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਕੱਟ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਜਾਗਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਜਾਗਰ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਰਨ ਪਏ ਪਾਗਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਰਨ ਹੀ ਆ ਕੇ ਝੁਕਦੇ ਆ। ਅਬ ਬਿਪੜ ਤੈ ਕਰੇ ਡੰਡੌਤ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਨਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਅਰਦਾਸ ਮਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੰਡਵਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਦੰਡਵਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਕਿਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਂਛੀ ਟੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਅਵਦਾਸ ਸਵੇ ਜਗ ਲੁੱਟਿਆ, ਹਮ ਤੋਂ ਏਕ ਰਾਮ ਕਾ ਛੁੱਟਿਆ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤੁੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੇਵਾ ਵੱਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਢੋਂਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਮਕ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਪੁਰਖ ਜੇ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਰ ਨਾਓ ਜੀ, ਤਿਸ ਕੇ ਸੰਗ ਸਿੰਘ ਉਭਰੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਜੀ। ਇਹ ਲੋਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੁੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਸੁਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਸ਼ਿਮਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਬਾਕਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 36 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਔਰ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ, ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਪਾਸ ਆਉਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਾਗਰ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖੱਡੀ ਹੈ ਖੱਦਰ ਬੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਖੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਥਾ ਚਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਖੱਦਰ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੋ ਕੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਥਾ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤਾਣੀ ਤਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਲੇ ਗੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਡਾਂਗ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੈਰ ਲੱਗਾ, ਪੈਰ ਲੱਗ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਗਾਗਰ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਠਿੱਬੀ ਲੱਗੀ, ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਗਰ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਗਾਗਰ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਆਈ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹਦੀ ਖੱਡੀ ਹੈ, ਜਲਾਹੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਡਿੱਗਿਆ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜਲਾਹੀ ਬੋਲੀ, ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਅਮਰੂ ਨੇ ਥਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵਿਹਲਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਥਾਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ। ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਡੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਕਬੂਲਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
जिंदगी दे विच ए भी एक बेदवा। उस बीबी ने कबूल बोले ते सतगुरु अपने सच्चे सुच्चे सेवक दे प्रति कबूलों नू सुहा नहीं सके ते अपने छाती ना ला के गलबकड़ी विच लै के बचन कह दते। अमरदास न्योटियां दी ओट, निमाणियां दा माण, नितानियां दा तान, न्यासरियां दा आस, न्यासरियां दी आस, पीरां दा पीर, अमरदास। गुरु दे प्यारियो एहो जियां आशीर्वादां दित्तियां, एहो जियां आशीर्वादां दित्तियां गुरु दे प्यारियो, अज भी वो लोग सेवादारा नू मीडिया दे विच अपने अपने फेक आईडियां बना बना के सेवादारा दे प्रति बोल कबोल बोलते ने। उन्हां दी जिहड़ी सोझी है, उन्हां दी जिहड़ी अकल है, वो अपनी अकल नू लोकां विच दसदे आ कि खरे असीं सियाणे आ। लेकिन जिस गुरु नू वो सेवादार सेवक मनदा है, वो जिन्हों कोई मानदा है, वो भी वो सिर ते बैठा, जिसके सिर उपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। मन मतियो अपने अपने इस बुद्धि तो काम, मन मत तो काम लैन वाले हो, जेड़े तुसी सेवादारां दे प्रति, महापुरशां दे प्रति, जां जेदी अपने गुरु प्रति कोई भावना जुड़ी है, उन्हों बखरे बखरे ढंग ना दे के तुसी बोल कबोल तरह तरह के मीडिया विच पा पा के फेक आइडियां पा के तुसी बना के दा दिओ, गुरु तुहानू कदी माफ नहीं करेगा। लेकिन एक की आ, मैं गुरु के चरणों में यह बेनती करदा, इहो जे बंदियां नू जिहड़े सच नू भी झूठ दसन की कोशिश करते हैं, और उन्होंने सच्चे पातशाह मत देवी। मेरे इस गुरु माई दे आ जिहड़े बचन सी नताणियां नू तान, एक सेवक नू गुरु ने सीने नाल लाया और उहदे वास्ते एड्डी वड्डी आशीर्वाद बख्श दित्ती, ते जिन्हां लई तुसीं वी कबूल वरतदे आ, जिहनू उह मनदे ने सेवादार, कोई भी है ए बी सी डी, कोई संत आ, कोई महापुरश आ, कोई सेवादार है, लेकिन गुरु उन्हां दे पिठ ते हाथ लैके, उन्हां दे सिर ते बैराग रह के बैठा। गुरु नहीं मेरा रुसे ना कंछी वाला जा कलगियां वाला जा कोई भी जग भावें सारा रुस जाए, गुरु दे प्यारे हो गुरु दे नाल किते तोड़ निब जावे। ये साडा अज दा प्रोग्राम दसन दा यही मतलब है। आओ गुरु दे प्यारे हो, मैं अखीर दे विच फिर बेनती करदा, सतगुरु अमरदास जी महाराज जी ने बौली बनाई, 84 पौड़ियाँ बनाइयां, 84 कट्टण वास्ते। सब तो बड़ा काम उन्होंने सती दी रस्म नू खत्म कीता है, लंगर दे विच पंगत चलाई बिना किसी जात पाते। अज लंगर दे विचों चौथा पौडा जा बीड़े आला कह के लंगर च उठाउण वाले हो, तुसी गुरु अमरदास जी दे सेवक नहीं होवोगे। गुरु अमरदास जी ने ते अकबर नूं कहता मेरे दर्शन करने, उस तो पहले जिहड़ियां संगतां बैठियां वो पंगत विच, पता नहीं उन्हां च कौन बैठा, पहले तू राजा होएगा अपनी जगह ते होएगा, लेकिन मेरे दरबार दे विच संगत इक्को जिही आ, राजा भी ते रंक भी जा के पहले लंगर छक आ। सानूं इत्थों ये गल्लां सिख लैणियां चाहीदियां। सो गुरु दे प्यारिओ, मेरा प्रोग्राम समाप्ति वल वध रिहा, सारे समुचे संसार नूं सतगुरु अमरदास जी दे प्रकाश दिहाड़े दीआं बहुत बहुत वधाईआं, और इस तरीके नाल कांशी टीवी नाल जुड़े रहो। जो भी बाणी विच 907 शब्द सतगुरां दे लिखे हुए ने और 18 राग विच बाणी लिखी हुई है, आपां उहनां ते अमल करिए। सो तुहाडा सारिआं दा धन्नवाद। आओ अगले प्रोग्राम विच चलदे हां, ब्रेक वल वध रहे हां, उन्नां चिर जुड़े रहो। जय गुरदेव।